बंद कर दो। सर रोल नंबर टू प्रेजेंट। हाँ हाँ अटेंडेंस सभी बना देंगे, रोल नंबर टू आपका जो है अटेंडेंस सभी का बना देंगे। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं है ना, तो अटेंडेंस बना देंगे। तो ये लिमिट गेजिंग टुडे जो है इन द केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वी स्टडी अबाउट द लिमिट गेजिंग, व्हाट आर द डिफरेंट गेजेज आर देयर। इन दिस वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स gauges and their classification, standard gauges, limit gauges, working gauges, inspection gauges and the reference gauges, gauges for the checking elements, gauges commonly used in the production process, what are the different gauges are there, plug gauges, ring gauges, taper gauges, snap gauges, thread gauges, form gauges, screw pitch gauges, radius and fillet gauge, filler gauges, plate and wire gauges, indicating gauges एंड द एयर गेजेज। ये 12 तरह के गेजेज हैं जो आपको प्रोडक्शन वर्क में इंडस्ट्री में काम किया जाता है। गेजेज का जो मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, गेजेज से डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है और आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है, यही गेजेज का मतलब है। गेजिंग डन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस refers to the method by which it is determined quickly whether or not the dimension of the checking parts in the production and within their specified limits. Gauge से direct check कर लिया जाता है कि part जो है आपको suitable है कि नहीं है, आपको dimension measure करने की आपको जरूरत नहीं है, है ना? It is done with the help of the small tool called gauges. ये स्मॉल टूल की मदद से आपको किया जाता है जिसको गेजेज बोलते हैं, है ना? ए गेज डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ द डायमेंशन, ये आपको रिवील नहीं करता है, वो आपको बताता है कि ये आपको फिट है कि नहीं है। जो आपने टॉलरेंस ड्राइंग में दिया है वो टॉलरेंस आपको यहां पर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये आपको गेज आपको बताता है, है ना? A clear distinction between the measuring instrument and gauges is not always observed. Some tools that are called gauges are used largely for measuring the layout work. High carbon and alloy steel have been principal material used for the many year. Gauges को बनाने के लिए high carbon and alloy steel का use किया जाता है. Some gauges are made of the cemented carbides. Cemented carbide का आपको आपको बनाया जाता है। जो गेजेज एंड देयर क्लासिफिकेशन है, गेजेज आर द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर चेकिंग द साइज, साइज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, शेप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स को चेक करने के लिए किया जाता है, है ना? हेंस द गेजेज आर द सिंगल साइज फिक्स टाइप मेजरिंग टूल, ये आपको फिक्स साइज सिंगल साइज फिक्स टाइप मेजरिंग टूल्स है वो आपको गेजेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ द गेजेज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट। स्टैंडर्ड गेजेज
लिमिट गेजेज गो एंड नॉट गो गेजेज, है ना, गो और नॉट गो गेजेज के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने। स्टैंडर्ड गेजेज होते हैं, गो और नॉट गो गेजेज होते हैं, और बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्पेक्शन वर्किंग गेजेज बोलते हैं, इंस्पेक्शन गेजेज बोलते हैं, और द मास्टर गेजेज बोलते हैं, है ना। और डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स टू बी चेक्ड, गेजेज फॉर द चेकिंग होल, गेजेज फॉर द चेकिंग शाफ्ट, गेजेज फॉर चेकिंग टैपर्स, गेजेज फॉर चेकिंग थ्रेड्स एंड गेजेज फॉर चेकिंग फॉर्म्स, ये आपको गेजेज इसको बोलते हैं। होल को चेक करने के लिए गेज होता है, शाफ्ट को चेक करने के लिए गेज होता है, टैपर को चेक करने के लिए गेज यूज करते हैं, थ्रेड्स को चेक करने के लिए गेज यूज करते हैं, फॉर्म्स को चेक करने के लिए गेज यूज करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द पर्पस, प्लग गेज होता है, रिंग गेज होता है, स्नैप गेज होता है, टैपर गेज होता है, थ्रेड गेज होता है, फॉर्म गेज होता है, थिकनेस गेज होता है, इंडिकेटिंग होता है, एयर ऑपरेटेड होता है, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द गेज है। आपको जो गेज है, पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखा देता हूं, तभी आपको ये समझ में आएगा। कि कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये स्टैंडर्ड रिंग गेज है, प्लग गेज है, ये डबल एंडेड लिमिट प्लग गेज है, है ना, ये टैपर गेज है, टैपर प्लग रिंग गेज है, ये टैपर डिसाइड करता है, टैपर प्लग रिंग गेज है, ये लिमिट टैपर प्लग गेज है, है ना, ये गो है, ये नो गो है, देखिए, है ना, ये स्नैप गेज है, ये कैलिपर गेज है, ये यहां पे नो गो है, यू गो है ना, ये गो है, यू नो गो है। गो से आपको डायमेंशन चेक करके आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि पार्ट आपको सुटेबल है कि नहीं है, आपको मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है, है ना, इसी को गेजेज बोलते हैं। कुछ फिगर मैंने पहले आपको इसलिए दिखा दिया, ये आपको थ्रेड गेज है, थ्रेड को मेजरमेंट करने के लिए, थ्रेड को चेक करने के लिए, थ्रेड को यू चेक करने के लिए थ्रेड गेज यूज किया जाता है। ये आपको फॉर्म गेज है, है ना, इसका फॉर्म इस, ये आपको फॉर्म गेज है, इसका वर्कशीप का फॉर्म इस तरह बना है कि नहीं बना है, ये फॉर्म गेज से आपको चेक कर लिया जाता है, सेट करके देख लिया जाता है कि गैप है कि नहीं है, ये आपको फॉर्म गेज है, है ना, ये आपको फॉर्म गेज है। या आपको स्क्रू पिच गेज है, जो स्क्रू पिच मेजर करता है, है ना, स्क्रू पिच मेजर करता है। दूसरा, ये आपको रेडियस एंड फिलेट गेज है, रेडियस मेजर करता है और फिलेट मेजर करता है, है ना, ये आपको फिलर गेज है, जो गैप मेजर करता है, गैप मेजर करता है, और ये आपको वायर गेज है, जो वायर का डायमीटर आपको मेजर करता है, है ना। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेज, आपका फिगर आपको मैंने आपको दिखाया कि ये सारे आपको गेजेज हैं जो आपको इंडस्ट्री में आपको डायरेक्टली यूज होता है। ये गेजेज आपको कॉलेज में होना चाहिए, जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, आप उस पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चीज है, है ना। तो स्टैंडर्ड गेजेज आर मेड टू द नॉर्मल साइज ऑफ द पार्ट टू बी टेस्टेड एंड हैव द मेजरिंग मेंबर इक्वल इन साइज टू मेजर द परमिशन डायमेंशन पार्ट टू बी चेक्ड, है ना। लिमिट गेजेज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गो गेज एंड द नो गेज, ये आपको गो गेज कहलाता है और नो गेज कहलाता है। दीज आर मेड टू द लिमिट साइजेज ऑफ द वर्क टू बी मेजर्ड, है ना। ए डबल एंड गेज हैज द गो मेंबर एट द वन एंड एंड नो गो मेंबर एट द अदर एंड, द गो मेंबर मस्ट पास इनटू ओवर इट एक्सेप्टेबल पीस एंड द नो गो मेंबर शुड नॉट पास, है ना। ये आपको लिमिट गेजेज, आपको लिमिट गेजेज होता है वो। दूसरा, वर्किंग गेजेज, इंस्पेक्शन गेजेज एंड द रेफरेंस गेजेज। वर्किंग गेजेज आर दोज हु आर यूज एट द बेंच और मशीन इन गेजिंग द वर्क एज इट बीइंग मेड, जो बेंच पे मशीन पे यूज किया जाता है उसको वर्किंग गेजेज बोलते हैं। और इंस्पेक्शन गेजेज, दिस गेयर आर यूज बाय द इंस्पेक्शन पर्सनल टू इंस्पेक्ट इन द मैन्युफैक्चर पार्ट्स व्हेन फिनिश्ड, इसको इंस्पेक्शन गेजेज बोलते हैं,
reference gauges, these are also called the master gauges. These are used only for checking the size or condition of the other gauges and the है ना, ये आपको मास्टर गेज कहलाता है. रेफरेंस गेज जो है आपको मास्टर गेज कहलाता है. दीज आर यूज ओनली फॉर द चेकिंग द साइज और द कंडीशन ऑफ द अदर गेजेस एंड द रिप्रेजेंट एज एग्जैक्टली एज पॉसिबल फिजिकल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट. ये जो रेफरेंस गेज है, मास्टर गेज है, दूसरे गेज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वो गेज आपको सही है कि नहीं, है ना. गेजेज फॉर द चेकिंग एलिमेंट्स, आपको होल गेज होता है. होल गेज होता है, इट इज यूज टू चेक द डायमेंशन ऑफ द होल प्रेजेंट इन द एलिमेंट. होल गेज, होल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है. होल गेज, होल को, डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उसको होल गेज बोलते हैं. साफ्ट गेज, इट इज यूज टू चेक द डायमेंशन ऑफ द साफ्ट. साफ्ट के डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उसको साफ्ट गेज बोलते हैं. टेपर गेज, इट इज यूज टू चेक डायमेंशन ऑफ द टेपर्स. टेपर्स के डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उसको टेपर गेज बोलते हैं. थ्रेड गेज, इट इज यूज टू चेक द थ्रेडिंग ऑफ द एलिमेंट, उसको थ्रेड गेज बोलते हैं. फॉर्म गेज, इट इज यूज टू चेक द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, इसको फॉर्म गेज बोलते हैं. फॉर्म गेज मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द का शेप है, शेप को चेक करने के लिए आपको यूज किया जाता है, उसको फॉर्म गेज बोलते हैं. गेजेज कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन वर्क, जो प्रोडक्शन वर्क में आपको काम आते हैं. प्लेन गेज, प्लग गेज, दीज गेजेज आर यूज फॉर चेकिंग होल्स ऑफ द मेनी डिफरेंट शेप एंड साइजेज. ये आपको होल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है. यहां पर आपको स्टैंडर्ड रिंग गेज एंड द प्लग गेज आपको दिखाया गया है ना, है ना. ये साइज स्टैंडर्ड रिंग एंड प्लग गेज, ये आपको रिंग गेज है और ये प्लग गेज है ना. प्लग गेज से होल का डायमेंशन कितना है वो आपको चेक कर लेते हैं, है ना. ये आपको दिखाया गया है ना. प्रोग्रेसिव एंड द डबल एंडेड लिमिट गेज आपको दिखाया गया. ये आपको प्रोग्रेसिव दिखाया गया, ये डबल एंडेड गो एक साइड में रहता है, गो गेज, एंड द नो गेज अदर साइड में रहता है ना. तो ये आपको प्रोग्रेसिव एंड ये आपको दिखाया गया. फिगर सोच ए स्टैंडर्ड प्लग गेज यूज टू टेस्ट द नॉमिनल साइज ऑफ द सिलिंड्रिकल होल. सिलिंड्रिकल होल करने के लिए, चेक करने के लिए आपको यूज किया जाता है. फिगर 4.2 shows a double ended limit plug gauge used to test the limit of the size. At one end it has a plug minimum limit size go and at the other end plug maximum limit no go. ये आपको go और no go आपको इसमें आपको दिखाया जाता है, है ना. Go gauge और no go, एक side में go gauge है, दूसरे side में no go gauge है. एक side से pass होना चाहिए और दूसरा जो है pass नहीं होना चाहिए. इससे आपको होल का डायमेंशन आपको पता चल जाता है, है ना. रिंग गेज, आपको ये जो फिगर दिखाया गया था, ये आपको रिंग गेज का फिगर दिखाया गया था, है ना. तो रिंग गेज आर यूज टू टेस्ट द एक्सटर्नल डायमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए आपको रिंग गेज का आपको यूज किया जाता है. इसमें आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है. आपको गेज बने होते हैं, गेज का साइज बनाया जाता है. जहां मास प्रोडक्शन होता है ना, फोर्ड कंपनी में, टोयोटा में, जहां मास प्रोडक्शन होता है ना, तो मास प्रोडक्शन के लिए आपको ये गेजेज का यूज किया जाता है. दे अलाउ शाफ्ट टू बी चेक्ड मोर एक्यूरेटली सिंस दे एम्ब्रास द होल ऑफ देयर सर्फेस. रिंग गेजेज हैव फॉर एक्सप्रेसिव मैन्युफैक्चर, देयरफॉर फाइंड लिमिट यूज, है ना. ए कॉमन टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड रिंग गेज इज द साउंड इन द फिगर, है ना. ये आपको दिखाया गया. टेपर प्लग एंड द रिंग गेज, ये आपको रिंग गेज दिखाया जा रहा है, ये आपको टेपर प्लग गेज दिखाया जा रहा है. द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ टेस्टिंग ए टेपर टू यूज द टेपर टेपर गेज. टैपर गेजेस से उसको अंदर ले जा करके टैपर पता कर लेंगे. दे आर ऑल्सो यूज टू गेज द डायमीटर ऑफ द टैपर एट द सम पॉइंट. टैपर गेजेस आर मेड इन द बोथ प्लग एंड द रिंग स्टाइल. उस दोनों में आपको ये बना होता है.
टेपर प्लेज एंड द रिंग गेज इज शोन इन द फिगर 4.3 में आपको दिखाया गया है ना। When checking a taper hole, the taper plug gauge is inserted into the hole and the slight pressure is adjusted. Against it, it does not rock the hole. It indicates the taper angle is correct. है ना? The same procedure is followed in a ring gauge for testing taper spindle. The taper diameter is tested for the size by noting how far the gauge enters the tapered hole. है ना? ये आपको टैपर गेज एंड द रिंग गेज है। दूसरा ये लिमिट टैपर गेज है, यहां पर गो गेज है, ये आपको नो गो गेज है। ये आपको दिखाया गया यहां पे टैपर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। द एक्यूरेसी ऑफ द टैपर होल इज टेस्टेड बाय द टैपर लिमिट गेज एज शोन इन द फिगर 4.4। दिस हैज द टू चेक लाइन गो नो गो ईच एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द फेस। है ना, टेपर गेज है। ये आपको स्नैप गेज है। स्नैप गेजेज, दीज गेजेज आर यूज्ड फॉर चेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन। एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए आपको यूज किया जाता है। शाफ्ट्स आर मेनली चेक्ड बाय द स्नैप गेजेज। दे मे बी सॉलिड एंड प्रोग्रेसिव और एडजस्टेबल और डबल इंडल। द मोस्ट यूजुअल टाइप्स आर द सॉन फिगर 4.5। है ना, गो गेज और आपको नो गेज आपको दिखाया गया। यहाँ आपको कैलिपर गेज है, गो यहाँ पे चले जाना चाहिए, नो गो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये आपको गो और नो गो आपको दिखाया गया, गो यहाँ पे दिखाया गया, नो गो दिखाया गया। डबल एंडेड सॉलिड गेज ये आपको दिखाया गया है ना। एडजस्टेबल गेज आपको गो गेज, नो गेज आपको स्नैप गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। सॉलिड और नॉन एडजस्टेबल कैलिपर और स्नैप गेज विद गो एंड नो गो इच इज यूज फॉर द लार्ज साइज। एडजस्टेबल कैलिपर और स्नैप गेज यूज फॉर द लार्जर साइज है ना। ये गो गेज और ये नो गो गेज होता है, ये आपको स्नैप गेजेज में आपको क्लियरली पता चल जाता है कि डायमेंशन क्या है। ये आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का जो डायमेंशन है वो आपको अलाव है, है ना, प्रोडक्शन में अलाउ है। ये आपको मशीन पे रखा जाता है, ये इधर से पास करके देखा जाता है इसमें जाता है कि नहीं जाता है, इधर से इधर नहीं, इधर जाना नहीं चाहिए, इधर जाना चाहिए। इसका डायमेंशन थोड़ा छोटा होता है, इसका डायमेंशन थोड़ा, है ना, तो ये आपको गो और नो गो आपको दिखाया गया है ना। गो का डायमेंशन थोड़ा बड़ा होता है, नो गो का थोड़ा छोटा होता है। ये आपको स्नैप गेजेज आपको बताया गया है ना, ये आपको यहां पर आपको बताया गया। थ्रेड गेज, थ्रेड को चेक करने के लिए आपको थ्रेड गेज का यूज किया जाता है ना। ये इंटरनल थ्रेड को यूज चेक करने के लिए यूज किया जाएगा। यहां पर देखिए आपको गो और नो गो आपको थ्रेड आपको दिखाया गया है ना। थ्रेड गेज से थ्रेड चेक करते हैं। थ्रेड गेजेज आर यूज टू चेक द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड। पिच डायमीटर कितना है वो उसको थ्रेड चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर चेकिंग इंटरनल थ्रेड्स, नट बुशेस एक्स्ट्रा प्लग थ्रेड गेजेज आर यूज्ड। व्हाइल फॉर चेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड, स्क्रू बोल्ट एक्सेट्रा रिंग थ्रेड गेजेज आर यूज्ड। सिंगल पीस थ्रेड गेजेज सर्व फॉर द मेजरिंग स्मॉल डायमीटर। फॉर लार्ज डायमीटर द गेजेज आर मेड विद द रिमूवेबल प्लग मशीन विद द टैंक। स्टैंडर्ड गेजेज आर मेड विद द सिंगल पीस। कॉमन टाइप्स ऑफ द थ्रेड गेजेज आर शोन इन द फिगर। ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। स्टैंडर्ड प्लग गेजेज मे बी मेड ऑफ द वेरियस काइंड। प्लग गेज विथ ओनली थ्रेडेड पोर्शन, थ्रेडेड पोर्शन ऑन वन एंड एंड प्लेन सिलिंड्रिकल प्लग ऑन द अपोजिट एंड टू करेक्ट द कोर डायमीटर। थ्रेड गेज विद द कोर फुल डायमीटर्स, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। लिमिट प्लग गेज हैव ए लॉन्ग थ्रेड सेक्शन ऑन द गो एंड द शॉर्ट थ्रेड सेक्शन ऑन द नो गो। रोलर रिंग गेजेज सिमिलरली हैव अ गो एंड द नो गो एंड्स, ये आपको यहां पे आपको दिखाया गया। गो गेज होता है और नो गो गेज होता है ना। फॉर्म गेज, ये आपको फॉर्म गेज है। फॉर्म गेज में बी यूज टू चेक द कॉन्टूर ऑफ द प्रोफाइल। ये जो वर्कपीस का जो प्रोफाइल है, कॉन्टूर है, क्या फॉर्म है, क्या शेप है,
उसको चेक करने के लिए फॉर्म गेज का आपको यूज किया जाता है। फॉर्म गेज का यूज जो है आपको प्रोफाइल चेक करने के लिए, सटन शेप का प्रोफाइल चेक करने के लिए और फॉर्म स्पेसिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको यूज किया जाता है ना। टेम्पलेट गेज, इट इज मेड फ्रॉम द सीटेटिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज में कॉन्टेंट टू आउटलाइंस दैट रिप्रेजेंट द लिमिट्स विद इन विच ए प्रोफाइल मस्ट लव इन द फिगर। ये आपको प्रोफाइल आपको चेक करने के लिए बताया जाता है। ये आपको टेम्पलेट है, इससे आपको चेक करते हैं कि ये प्रोफाइल बना है नहीं बना है। किसी भी तरह का प्रोफाइल जिस तरह का आपको चेक करना है वो यहाँ पर आपको आपको चेक कर लेते हैं, है ना। ये आपको फॉर्म गेज है, कंटूर ऑफ ए प्रोफाइल ऑफ ए वर्कपीस फॉर द कन्फॉर्मेंस टू द सर्टन शेप और द फॉर्म स्पेसिफिकेशन, ये इसमें आपको चेक किया जाता है ना। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज सर्व्स एज एन एवरी बॉडी टूल यूज इन पिकिंग आउट ए रिक्वायर्ड स्क्रू एंड फॉर चेकिंग द पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड। पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज यूज किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लैट ब्लेड्स व्हिच आर कट आउट ऑफ द गिवन पिच प्रोवाइडेड इन द होल्डर एज शोन इन द फिगर। ईच ब्लेड इज स्टाम्प्ड विद द पिच और नंबर ऑफ द थ्रेड पिच, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको थ्रेड पिच, ये कई तरह का होता है, इससे कितना पिच है वो चेक करने के लिए आपको दिखाया गया है। ये जो नीचे जो है स्क्रू है, ऊपर में स्क्रू पिच गेज है। सेवरल ब्लेड्स आर देयर, सेवरल ब्लेड्स होते हैं, एक के बाद एक ब्लेड्स होते हैं और उसी ब्लेड से उसको चेक करते हैं। सेवरल ब्लेड्स होते हैं और उसी से जो है उसको चेक करते हैं, ब्लेड से आपको चेक करते हैं। ये आपको स्क्रू पिच गेज है ना, स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू का पिच चेक करते हैं। स्क्रू का पिच जो है कितना है, ए सेट ऑफ द मैट्रिक थ्रेड्स विद द 30 ब्लेड्स हैज पिच फ्रॉम 0.06 mm फॉर द इंग्लिश थ्रेड, 16 ब्लेड्स हैज 4 टू 13 थ्रेड्स पर इंच। जो इंग्लिश थ्रेड होता है उसमें 16 ब्लेड्स होते हैं और 4 to 28 थ्रेड्स पर इंच को चेक करता है। मैट्रिक थ्रेड में 30 ब्लेड्स होते हैं जो 0.0 से 0.6 mm तक का जो है आपको होता है वो, है ना। मैट्रिक थ्रेड आपको 60 डिग्री एंगल का बना होता है और इंग्लिश थ्रेड 55 डिग्री एंगल का बना होता है ना। ये स्क्रू पिच गेज है। ये सारे एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, आपको इससे मेजर करने के बाद आपको आइडिया लगता है कि ये जो है किस तरह का जो है गेज है। ये फिगर से सिर्फ जो है आपको कंप्लीट जो है नॉलेज वो नहीं हो पाता है। तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक जो है वर्कपीस पे काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपको क्लियर नहीं होता है ना। द फंक्शन ऑफ रेडियस एंड फिलेट गेज, रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कर्वेक्स सरफेस फ्रॉम 1 to 25 mm का, इससे आपको रेडियस गेज से आपको चेक हो जाता है ना। द गेजेज आर मेड इन सेट्स ऑफ द थिन प्लेट्स कर्व ऑफ द डिफरेंट रेडियस एट द एंड्स ऑन फिगर। इस सेट कंसिस्ट ऑफ द 16 कॉन्वेक्स एंड 16 कॉनकेव ब्लेड्स, 16 कॉन्वेक्स एंड 16 कॉनकेव ब्लेड्स, ये आपको यूज किया जाता है ना। फिलर गेज, फिलर गेज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द क्लियरेंसेस बिटवीन द मेटिंग सरफेस, है ना। ये आपको फिलर गेज है। कई सेट का ये जो है ना अलग अलग थिकनेस का ब्लेड रहता है, ये अलग अलग थिकनेस के ब्लेड हैं फिलर गेज, है ना। फिलर गेज गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज करते हैं। क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, असेंबली में मेटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस चेक करने के लिए आपको फिलर गेज का यूज करते हैं। दे आर मेड इन फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ द स्टील प्रिसीजन मशीन ब्लेड 0.03 टू द 1.0 mm थिक एंड द 100 mm लॉन्ग। द ब्लेड्स आर प्रोवाइडेड इन होल्डर, होल्डर में प्रोवाइड किया जाता है। ईच ब्लेड हैज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स थिकनेस। द इंडियन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश 7 सेट्स ऑफ द फिलर गेजेज, नंबर 1 to 7
which differ by the number of the blades in them and by the range of the thickness. Thin blades differ in thickness from 0.1 mm in the 0.2 mm set and by the 0.5 mm in the 0.1 mm set. To find the size of the clearance, one or two blades are inserted and tried for a fit between the contacting surface until blades of the suitable thickness are the found. ये आपको filler gauge है, है ना? कितना gap है वो आपको check कर लिया जाता है. Gap कितना है वो उससे पता चल जाता है. दूसरा plate and wire gauge, है ना? The thickness of a sheet metal is checked by means of a plate gauge. ये इससे जो है ना यहाँ पे dimension लिखा होता है और किसका कितना thickness है, wire का diameter कितना है, ये आपको इससे चेक कर दिया जाता है, है ना? ये प्लेट गेज दिखाया गया है और ये आपको वायर गेज दिखाया गया है. वायर गेज का डिफरेंट डायमीटर का कितना डायमीटर है आपको वायर गेज से पता चल जाएगा, है ना? इसमें इंसर्ट करेंगे, मेजर करने की जरूरत ही नहीं है. प्लेट का कितना थिकनेस है वो उससे पता चल जाएगा. वायर का कितना थिकनेस है वो इससे पता चल जाएगा, है ना? तो ये आपको प्लेट गेज है और ये आपको वायर गेज है, है ना? दिस इज यूज्ड टू चेक द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम 0.1 mm टू द 10 mm, है ना? प्लेट गेज है और द वायर गेज है, है ना? इतने तरह के गेज होते हैं. इंडिकेटिंग गेज कॉमनली इंप्लाय हाउ मच डायमेंशन डिविएट्स प्लस और माइनस, उसको इंडिकेटिंग गेज बोलते हैं. ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड द शेप इंडिकेटिंग गेज ऑफ द डायल टाइप और द लीवर टाइप. एयर गेज में न्यूमेटिक और एयर गेज आर यूज किया जाता है. डिटरमाइन द इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होल बाय मीन्स ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, इसको एयर गेज बोलते हैं. यही आपको गेजेस थे, है ना? इतने तरह के गेजेज आपको होते हैं. इसको फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं. ये सारे गेजेज जो मैंने आपको दिखाया यहां पर आपको मेंशन है, है ना? दीज आर द गेजेज, है ना? पहले मैं फिर आपका अटेंडेंस ले लूं और आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया. कल से जो है रिवीजन कर देंगे. यूनिट टू भी आपका आपका खत्म हो गया. ट्वेंटी थ्री जितेंद्र राणा जी इज प्रेजेंट. थर्टी नाइन रौनक जी इज प्रेजेंट. 12 दीपांशु चौधरी इज प्रेजेंट. अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट. चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट. हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट. हृदेश जी 19 इज प्रेजेंट. नंदिनी जी 29 इंच प्रेजेंट. ऋषभ नायक जी 54 इंच प्रेजेंट. फोर्टी वन शेखर जी इंच प्रेजेंट. अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इंच प्रेजेंट. जैनिस चौहान जी 22 इंच प्रेजेंट. पवन नेगी जी 30 इंच प्रेजेंट. राहुल जी 32 इंच प्रेजेंट. फिर से मैं अटेंडेंस आपको बोल देता हूं. राहुल जी 32 इंच प्रेजेंट. पवन नेगी जी 30 इंच प्रेजेंट. जैनेश चौहान जी 22 इंच प्रेजेंट. अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इंच प्रेजेंट.
41, शेखर जी इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, नन्नी जी 29 इज प्रेजेंट, हृदेश जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, दीपांशु चौधरी जी 12 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये सारे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, और ये आपका यूनिट टू का लास्ट टॉपिक था गेज डिजाइन। जो गेजेज है, लिमिट गेजिंग है, है ना, कितने तरह के होते हैं। आज आपका सिलेबस खत्म हो गया, कल कोई दूसरा टॉपिक उसको उसको रिवाइज कर देंगे, कोई अच्छा सा टॉपिक उसको कल से जो है आपको 21, 22 दो दिन और जो है क्लास लेनी है, 23 तो फ्राइडे है, फ्राइडे को आपका क्लास होता नहीं है, तो वेडनेसडे थर्सडे दो दिन और कोई अच्छा सा टॉपिक जो है आपको रिवाइज कर देंगे, जिसमें कुछ जो है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर सकें, कुछ रिसर्च पेपर वगैरह लिख सकें, तो वो आपको रिवाइज कर देंगे। तो और आज टेस्ट भी है आपको, लास्ट एमसीक्यू टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, और आप उसको मेल पे उसको भेज दीजिएगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसीलिए वो जो है एमसीक्यू टेस्ट का 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगा, है ना। तो गेज मेनली जो है आपको दो तरह का होता है, गो और नो गो, पहले इसको समझिए। ये डबल एंडेड प्लग गेजेज यहाँ पे दिखाया गया है, एक साइड में गो गेज होता है, दूसरे साइड में नो गेज होता है, है ना। एक साइड में चला जाना चाहिए, दूसरे साइड में नहीं जाना चाहिए, ये आपको डबल एंडेड जो है गेज आपको बताया जा रहा है। तो होल का डायमेंशन उसको आपको उस तरह चेक किया जाता है। ये आपको स्टैंडर्ड रिंग गेज है, जिससे कि शाफ्ट का डायमेंशन चेक किया जाता है, इसी ये प्लग गेज है जिससे कि जो है होल का डायमेंशन चेक किया जाता है ना। तो इसमें जब मास प्रोडक्शन होता है ना, एक ही तरह का जब सामान बनता है तो उसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ये गेजेज वहां पे रखे होते हैं, मशीन पे रखे होते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में रखे होते हैं, ये गेजेज से ही चेक कर लिया जाता है कि पार्ट स्टैंडर्ड का बना है नहीं बना है। जितने जो मास प्रोडक्शन कंपनियां हैं ना, जो बड़ी बड़ी यूनिलीवर कंपनियां हैं, फोर्ड है, टोयोटा है, ये सारी गेजेज का यूज करती है, वो वहां पर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर स्केल से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायल इंडिकेटर से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको गेजेज को यूज करते हैं, है ना। ये टेपर गेज है और ये रिंग गेज है, है ना। रिंग गेज से आपको होल का पता चल जाता है, ये आपको टेपर गेज है, टेपर गेज से आप उसको अंडर करके आप चेक कर लीजिए कि कितना टेपर है, उससे आपको पता चल जाता है, है ना। ये स्नैप गेज से क्लियर हो जाता है, जब पार्ट ले जाएंगे ना तो ये गो गेज दिया हुआ है, गो गेज में अंदर चला जाना चाहिए, नो गेज में अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। जितने पार्ट, जो पार्ट आप जब बनाएंगे, गो गेज में अंदर जाएगा और नो गो में अंदर नहीं जाएगा, वो ही एक्सेप्टेबल होगा। टॉलरेंस दिया हुआ होता है 25.01 से लेकर 25.05, तो गो गेज जो है आपको 25.05 का डायमेंशन है और नो गो जो है 25.01 का डायमेंशन है। तो जो पार्ट आपको जाएगा इसी कैलिपर गेज से आपको पता लग जाएगा कि ये पार्ट आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। जहां पे मास प्रोडक्शन होता है, एक ही तरह का इक्विपमेंट बनता है, तो वहां पर जो है ये गेजेज आपको यूज किए जाते हैं, मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, गेजेज का आपको यही फंक्शन है, इसी से आपको गेजेज का यूज होता है। ये आपको डबल एंडेड सॉलिड गेज आपको दिखाया गया है, एक साइड से जाना चाहिए, दूसरे साइड से नहीं जाना चाहिए, ये गो गेज है, ये नो गो गेज है ना।
ये आपको से आपको डबल इंडेड सॉलिड गेज आपको दिखाया गया है ना, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया गो गेज दिखाया गया, नो गो गेज आपको दिखाया गया, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। गेज का मतलब यही होता है कि उससे पता चल जाता है, थ्रेड गेज से थ्रेड का क्या आपको पिच है वो आपको पता चल जाएगा। ये आपको इंटरनल थ्रेड के लिए यूज किया जाता है ना, और ये आपको एक्सटर्नल थ्रेड के लिए यूज किया जाता है। थ्रेड गेज यूज टू चेक द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, पिच डायमीटर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर चेकिंग इंटरनल थ्रेड नट और बूस को चेक करने के लिए किया जाता है। जहां पर नट बनती है ना, नट बनते हैं, बूसेस बनते हैं, मास प्रोडक्शन नट का होता है, वहां पर ये थ्रेड गेज यूज किया जाता है। थ्रेड गेज से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, आपको मेजरमेंट का जरूरत नहीं है कि थ्रेड आपको सही बना है कि नहीं बना है, वो डायरेक्टली जहां पर थ्रेड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, थ्रेड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका डायरेक्टली आपको चेक हो जाता है ना। स्क्रू और बोल्ट जहां बंध रहे हैं तो वहां पर जो है आपको एक्सटर्नल थ्रेड के लिए वो डायरेक्टली चेक हो जाता है थ्रेड गेज से कि आपको स्टैंडर्ड में बना है कि नहीं बना है ना, ये आपको बना है कि बना है उससे चेक हो जाता है ना। फॉर्म गेज किस तरह का पार्ट का फॉर्म है, शेप है, प्रोफाइल है ना, कंटूर किस तरह का है वर्कपीस का, वो इससे क्लियर हो जाता है, ये आपको फॉर्म गेज कहलाता है। वहां पर पार्ट के ऊपर में रख देते हैं और पार्ट का ऊपर में रख करके क्या प्रोफाइल है वर्कपीस का वो आपको चेक हो जाता है, कंटूर क्या है वर्कपीस का वो आपको चेक हो जाता है, शेप क्या है, फॉर्म का स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको चेक हो जाता है एंड ये यहां पर आपको फॉर्म जो है वो आपको चेक हो जाता है, तो ये आपको टेम्पलेट गेज है ना। सिमिलरली स्क्रू पिच गेज स्क्रू का पिच चेक कर लेता है, ऊपर वाले जो है स्क्रू पिच गेज है, ये आपको स्क्रू का जो पिच है कितना पिच है वो आपको चेक कर लेता है। ये मेट्रोलॉजी में इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में हर एक इंडस्ट्री में ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, जहां ये आपको बनता है वहां पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। स्क्रू पिच गेज वहां पे रख दिया, स्क्रू का पिच कितना बना वो आपको चेक कर गया है ना, वो डायरेक्टली आपको चेक हो जाता है कि कितना जो है आपको बना है, आप इसको यहां पे रख दीजिए उससे आपको चेक हो जाता है। रेडियस गेज से रेडियस चेक हो जाता है, कर्वेचर कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है क्या है वो आपको चेक हो जाता है ना, कॉनकेव है कि कॉनवेक्स है वो आपको चेक हो जाता है। फिलर गेज से आपको फिलर गेज से गैप चेक हो जाता है, क्लियरेंस चेक हो जाता है, ये आपको फिलर गेज है, नंबर ऑफ द ब्लेड्स होता है उसमें, फिलर गेज में नंबर ऑफ द ब्लेड्स होते हैं, डिफरेंट थिकनेस के ब्लेड्स होते हैं और ये ब्लेड्स इंसर्ट करके यहां पर आपको दिया हुआ है, थीन ब्लेड्स डिफर इन द 0.1 mm एंड द 0.2 mm सेट है ना। फिलर गेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह करके होते हैं। मशीन ब्लेड आपको यहां पर आपको आपको बना होता है, टू फाइंड द साइज एंड क्लियरेंस 1-2 ब्लेड्स आर इंसर्टेड बिटवीन द कंटेक्टिंग सरफेस है ना, फिलर गेज होता है वो, कंटेक्टिंग सरफेस में आपको फिलर गेज होता है। प्लेट एंड वायर गेज, ये प्लेट का थिकनेस ऑफ द शीट मेटल इज चेक्ड बाय मींस ऑफ द प्लेट गेज, ये प्लेट गेज का डिफरेंट थिकनेस वहां पे इंसर्ट करके देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि भाई इसका थिकनेस कितना है। थिकनेस ऑफ द प्लेट इज चेक्ड है ना, वो उसमें चेक हो जाता है ना, थिकनेस ऑफ द प्लेट फ्रॉम 0.25 mm टू द 50 mm वो चेक हो जाता है ना। वायर गेज 0.1
टू द 10 mm तक का वायर गेज से आपको थिकनेस चेक हो जाता है ना, वायर गेज का थिकनेस, वायर उसमें डाल दीजिए, कितना डायमीटर है वो आपको पता चल जाएगा वायर गेज से, है ना। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, इसी को गेजेज बोलते हैं, इसी को जो है गेजेज बोलते हैं। प्लेट की थिकनेस कितनी है वो आपको यहां पर आपको आपको पता चल जाएगा प्लेट की थिकनेस कितनी है, है ना। प्लेट की थिकनेस कितनी है यह आपको यहां पर से आपको पता चल जाएगा, एक एक प्लेट को डाल करके आपको यहां से पता चल जाता है। तो गेजेज आपका यही था, डिफरेंट टाइप के गेजेज होते हैं इंडस्ट्री में, जहां मास प्रोडक्शन होता है, जहां पे वायर का प्रोडक्शन होता है, तो वायर का जो डायमीटर किस डायमीटर का बना आपको वायर गेज से आपको चेक हो जाता है। जहां पर शीट मेटल का प्रोडक्शन होता है तो प्लेट का थिकनेस कितना है आपको शीट मेटल का ये प्लेट गेज से आपको चेक हो जाता है ना। तो ये आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको